हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन नागर और आज हम आपसे बात करेंगे कैरेटेड ट्रायंगल के जो कंटेंट है उस कंटेंट का डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमें कि कैरेटेड ट्रायंगल के जो कंटेंट होते हैं उन कंटेंट को हम थियोरेटिकली कैसे समझते हैं। ओके, तो थियोरेटिकली इसके पहले बताया था और अब हम इन सारी थ्योरी को जो भी यहाँ लिखा है उनको यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो देखिए, वही हमने आपको कैरोटिड ट्रायंगल की सेकेंड वीडियो में एक डायग्राम बनाया था कि कैरोटिड ट्रायंगल की बाउंड्रीज और इसके फ्लोर को कैसे याद करते हैं। ओके, तो देखिए वही डायग्राम हम यहाँ बनाएंगे। ओके, तो देखिए ये क्या है, दिस इज हायोड बोन, हम ये लेटरल व्यू देख रहे हैं। ओके, और देखिए लेटरल व्यू में दिस इज द एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर, दिस इज सुपीरियर और दिस इज इंफीरियर। ओके, तो ये हो गई एनाटॉमिकल पोजीशन, ये इंफीरियर हो गया और ये सुपीरियर हो गया। ओके, तो ये सारी की सारी हो गई हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन और हम क्या देख रहे हैं, दिस इज द लेटरल व्यू और हायोड बोन के जस्ट नीचे क्या होता है, इसके जस्ट नीचे होती है हमारा लेरिंग्स, लेरिंग्स में दिस इज थायरॉयड कार्टिलेज और थायरॉयड कार्टिलेज के जस्ट नीचे क्या होगी, दिस इज क्रिकोइड कार्टिलेज। ओके, और हायोड बोन के जस्ट ऊपर क्या मिलेगी आपको, टंग मिलेगी। ओके, तो ये हमने तीन हायोड बोन और लेरिंग्स ड्रॉ कर दिया। इसके बाद आते हैं हम मसल्स वाले सेक्शंस पे कि देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे आपको स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड मसल जो कि पोस्टीरियर साइड होती है। देखिए ना, दिस इज पी मतलब पोस्टीरियर, तो यहाँ पे ये मसल ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड और इसकी नर्व सप्लाई क्या होती है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड और ट्रेपीजियस इन दोनों की नर्व सप्लाई होती है क्रेनियल नर्व नंबर 11, मतलब और भी नर्व आती है बट क्रेनियल नर्व नंबर 11 इस स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड और ट्रेपीजियस दोनों को नर्व सप्लाई करती हैं, तो दिस इज स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड। ओके, देखिए मैं नेमिंग नहीं लिख रहा हूँ, हमने सेकेंड वीडियो ऑफ कैरोटिड ट्रायंगल में इन सारे मसल्स की नेमिंग लिख दी थी, तो मैं बोल रहा हूँ दिस इज स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड। ओके, उसके बाद हायोड बोन टू स्केपुला, एक मसल होती है कहाँ पे, हायोड बोन टू स्केपुला, स्केपुला के अपर बॉर्डर पे, उसे क्या बोलते हैं, दिस इज द ओमोहायोड मसल, तो ये हो गई हमारी सुपीरियर वैली ऑफ ओमोहायोड। इनको थोड़ा स्पीडली ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमने ये सारा का सारा आपको ट्रायंगल की सेकंड वीडियो में बता दिया था कि कौन सी मसल क्या है, दिस इज ओमोहायोड। उसके बाद एक मसल होती है यहाँ पे, उसे बोलते हैं डाइगेस्ट्रिक, तो दिस इज द एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक और यहाँ पे क्या होगी, दिस इज द पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, तो ये हो गई हमारी डाइगेस्ट्रिक मसल और ये हो गई उसकी एंटीरियर बेली और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होता है एक लूप, कुली, कुली टाइप में होती है जो कि इसको होल्ड करती है, कहाँ पे अटैच होती है कुली, ये हायोड बोन से अटैच होती है। ओके, तो देखिए हमारा ट्रायंगल धीरे धीरे बन रहा है। इसके बाद देखिए ये क्या है, दिस इज द पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, ये वाली क्या है, दिस इज द सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोड। ओके, ये पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक है, दिस इज सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोड, दिस इज स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड। उसके अलावा एक मसल हमने यहाँ ड्रॉ की थी हायोड बोन टू लेरिंग्स। ओके, और इस मसल का नाम क्या, सॉरी, हायोड बोन टू थायरोड कार्टिलेज, तो इस मसल का नाम था थायरो हायोड, तो ये ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज थायरो हायोड मसल। उसके बाद एक मसल हमने जस्ट ऊपर ड्रॉ की थी, उसका नाम था हायोग्लोसस, तो हायोग्लोसस को यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, एक मसल यहाँ है हायोग्लोसस, तो दिस इज हायोग्लोसस। ओके, एक बार स्पीडली देख लेते हैं, दिस इज हायोग्लोसस मसल, हायोग्लोसस मसल मतलब हायोड बोन, हायो मतलब हायोड बोन, ग्लोसस मतलब टंग, तो हायोड बोन टू टंग, टंग ऊपर ही होगी, दिस इज थायरो हायोड, दिस इज सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोड, दिस इज पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक एंड दिस इज स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड। अब देखिए ये सारा का सारा आपने इसकी बाउंड्री देख ली है, यही तो बाउंड्री है, देखिए ना एक ट्रायंगल बन रहा है हमारे सामने। अब देखिए इसके देखते हैं कंटेंट जो कि हमारा इस वीडियो का मेन पोर्शन है, तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ एक आर्टरी, तो ये क्या है, दिस इज कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ओके, अब ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी क्या होगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, कौन कौन सी, एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड,
तो जो ये वाली है दिस इज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और जो ये वाली है वो है हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो दिस इज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, दिस इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ये क्या है, दिस इज कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और देखिए एक वेन होती है इस ट्राइंगल के कंटेंट में, देखिए हमने सारा का सारा यहाँ बता रखा है, देखिए ना कॉमन कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड सारा यहीं पे है। एक होती वेन कौन सी होगी, इंटरनल जुगलर वेन, तो वही यहाँ पे हम इंटरनल जुगलर वेन ड्रॉ कर देते हैं। तो दिस इज इंटरनल जुगलर वेन, तो ये हो गई हमारी इंटरनल जुगलर वेन। ओके, तो आर्टरी और वेन को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ओके, अब देखिए हमने यहाँ बताया था कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की टोटल 8 ब्रांचेज होती हैं, और इन 8 ब्रांचेज में से 5 ब्रांच कहाँ पे निकलती हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 ब्रांचेज निकलती है हमारी कैरोटिड ट्राइंगल के अंदर। तो देखिए वो 5 ब्रांचेज ड्रॉ करते हैं, तो देखिए दिस इज 1 ब्रांच, दिस इज 2nd ब्रांच, दिस इज 3rd ब्रांच, दिस इज 4th ब्रांच एंड दिस इज 5th ब्रांच। ओके, तो देखिए 1 2 3 4 5, ये क्या है, 5 ब्रांचेज ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, जो कि कहाँ पे देती है, कैरोटिड ट्राइंगल के अंदर। देखिए ना कैरोटिड ट्राइंगल ही तो है। अब देखिए इनके नाम क्या क्या हैं, तो देखिए मैं इनके नाम आपको यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहली वाली जो ये वाली आर्टरी है, इसका नाम है दिस इज फेशियल आर्टरी, मतलब मैं इसको दे रहा हूँ नंबर 1। चलो कोई ना, लिख ही देते हैं कोई ना। तो ये आर्टरी है, दिस इज फेशियल आर्टरी, देखिए ना फेशियल आर्टरी, वही देखिए ना एंटीरियर साइड कितनी है, 3 1 2 3, तो देखिए ना एंटीरियर साइड, ये एंटीरियर साइड ही तो है, तो 1 2 3, 3 एंटीरियर साइड है। ये क्या होगी, ये होगी हमारी लिंगुअल आर्टरी, दिस इज लिंगुअल आर्टरी, और ये क्या होगी, ये होगी हमारी सुपीरियर थायराइड आर्टरी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी। ओके, तो ये 3 एंटीरियर ब्रांचेस हो गई। एक होती है पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का नाम क्या है, दिस इज ऑक्सीपिटल आर्टरी, ओके, और ये क्या होती है, ये वाली है हमारी असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये वाली आर्टरी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ओके, तो इसका नाम है दिस इज असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। तो दिस इज असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। ओके, तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 ब्रांचेज जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। इसके बाद हम आते हैं, आर्टरीज का सारा खेल हो गया, आर्टरीज पूरी पढ़ ली हमने, उसके अलावा वेंस पढ़ ली, अब आते हैं नर्व वाले सेक्शन पे। अब देखिए हमने नर्व में क्या बताया था कि लास्ट 3 क्रेनियल नर्व, मतलब 10 11 12, क्रेनियल नर्व नंबर 10 कहाँ मिलेगी आपको, ये मिलेगी कैरोटिड शीथ के अंदर। आपको पता हो तो कैरोटिड शीथ के अंदर क्या क्या होता है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, मतलब दो तो आर्ट वही तो है ना। देखिए ना ये पूरी की पूरी क्या है बेसिकली, ये वाली इसको छोड़ दीजिए, ये पूरी की पूरी कैरोटिड शीथ ही है। इसमें क्या है, दिस इज इंटरनल जुगलर वेन, दिस इज कॉमन कैरोटिड, और कॉमन कैरोटिड ही आगे जाके क्या बनाते हैं, इंटरनल जुगलर वेन। तो इन इस पूरे को ही बोलते हैं कैरोटिड शीथ, और कैरोटिड शीथ के बीच में क्या होती है, क्रेनियल नर्व नंबर 10। तो देखिए इन दोनों के बीच में, नर्व और आर्टरी और वेन के बीच में मुझे क्रेनियल नर्व नंबर 10 ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो देखिए मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज क्रेनियल नर्व नंबर 10, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो जो ये वाली मैंने अभी येलो स्केच से ड्रॉ की है, दिस इज क्रेनियल नर्व नंबर 10, तो यह है 10th क्रेनियल नर्व। इसको कैसे याद करना है, इसको इस तरह से याद करना है कि आपको पता हो, आपने अगर कैरोटिड ट्राइंगल सॉरी कैरोटिड शीट पढ़ी हो तो वहाँ पे आपको मिलेगी क्रेनियल नर्व नंबर 10। तो हमने पढ़ ली 10 11 12, अब 11th क्रेनियल नर्व हमने बताया था कि जो क्रेनियल नर्व नंबर 11 होती है वो 2 मसल्स को सप्लाई करती है। 2 मसल्स कौन सी, एक होगी ट्रेपीजियस और एक होती है स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड SCM।
इन दोनों मसल्स को सप्लाई कौन करती है? क्रेनियल नर्व नंबर 11। और जो ब्राउन कलर से मैंने ये मसल ड्रॉ की है, दिस इज स्टर्नोक्लेरोमास्टॉइड। ओके, अब इसको 11 सप्लाई करेगी, तो बेसिकली मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी 11th क्रेनियल नर्व। तो देखिए मैं ये 11th क्रेनियल नर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये होगी कौन सी? 11th क्रेनियल नर्व। क्यों? क्योंकि देखिए ये कहाँ जा रही है? स्टर्नोक्लेरोमास्टॉइड की तरफ, कॉमन सी बात है ना। तो दिस इज 11th क्रेनियल नर्व। तो अरे यहाँ अब कैसे करें, चलो तो इसका नाम यही लिख देते हैं। तो दिस इज 11th क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 11। तो 10th हो गई, 11th हो गई, एक होती है 12th क्रेनियल नर्व। 12th का नाम क्या है? हाइपोग्लोसल नर्व। ग्लोसल मतलब टंग, कि वह टंग की मसल्स को सप्लाई करेगी। कैसे? तो देखिए हमारा टंग मसल्स का एक सेपरेट वीडियो है, आपको मिल जाएगा चैनल पे। तो हाइपोग्लोसल मतलब टंग को सप्लाई करेगी। टंग कहाँ होती है? एंटीरियर साइड। तो ये वाले नर्व, 12th क्रेनियल नर्व कहाँ जाएगी? बेसिकली आगे की साइड जाएगी, कॉमन सी बात है। तो ये वाली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज 12th क्रेनियल नर्व। और ये वाली मसल भी कौन सी थी? हमने जो ये ब्लू कलर से जो मसल बना रखी है, इसका नाम क्या है? दिस इज हायोग्लोसस। हायो मतलब हायोड बोन, टू ग्लोसस मतलब टंग, तो इसको सप्लाई करेगी। तो ये मसल भी कौन सी है? दिस इज हायोग्लोसस मसल। और इसको ये वाली नर्व कौन सी है? दिस इज क्रेनियल नर्व नंबर 12। 12 को हमने आगे, हमने इसको 12 क्यों नहीं कहा, इसको 11 क्यों नहीं कहा? हमने बोला ना 11 सप्लाई करती है स्टर्नोक्लेरोमास्टॉइड को, जबकि 12 सप्लाई करती है ऑल मसल्स ऑफ टंग एक्सेप्ट पैलेटोग्लोसस। तो टंग आगे होगी बेसिकली, हायोड बोन के जस्ट ऊपर ही तो टंग होती है, तो ये वाली 12वीं नर्व आगे जाएगी। अब देखिए ये तो सारा का सारा हो गया। हमने क्या बोला था? देखिए इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, एक तो कैरोटिड शीट पढ़नी है आपको इसके अंदर, कैरोटिड शीट, और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पढ़ना है अंसा सर्विकेल्स। ओके, तो अंसा सर्विकेल्स भी आपको कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर ही देखने को मिलता है, अंसा सर्विकेल्स। अब वो कैसे? तो देखिए अगर आपने अंसा सर्विकेल्स पढ़ा हो, तो उसका भी हमारा एक सेपरेट वीडियो है अंसा सर्विकेल्स नाम से, जो कि आप सर्वाइकल प्लेक्सिस में पढ़ते हैं। तो देखिए वही क्रेनियल नर्व नंबर 12 अंचा सर्विकेल से रिलेटेड होती है। तो देखिए एक तार मैंने कहाँ बनाया है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के जस्ट आगे। ओके, और ये तार नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा और एक लूप बनाएगा, और ये लूप बेसिकली ऊपर जाके दो पार्ट देगा। मतलब क्या? ऐसा नहीं होता, मतलब मैंने जो बोला ऐसा नहीं होता, मतलब क्या होता है कि C1 रूट होती है, C2 रूट। ये वाला तार कहाँ से आया? ये वाला तार आया C1 रूट से। ये वाला कहाँ से आया? C2 रूट से। ये वाला तार कहाँ से आया? C3 रूट से। देखिए ना मैंने तीन बना रखे हैं, एक तो मैं यहाँ से लाया हूँ, एक मैं यहाँ से लाया हूँ, एक मैं यहाँ से लाया हूँ। तो देखिए तीन तार आते हैं, ये वाला आया C2 रूट से, ये वाला आया C3 रूट से। ओके, ये दोनों तार नीचे की तरफ आए, और ये दोनों दो C2 रूट और C3 रूट वाले दोनों के दोनों तार, इनको थोड़ा यहाँ बड़ा लिख देते हैं। तो एक आया C2 रूट से, एक आया C3 रूट से। तो ये C2 से आया, C3 से आया, और ये वाला कहाँ से आया? C1 से। ये दोनों तार नीचे की तरफ आए, दोनों तार एक बन गए। एक बनने के बाद ये क्या है? दिस इज डिसेंडिंग, मतलब कुछ भी नहीं, दिस इज डिसेंडिंग। ओके, तो कुछ नहीं, यही का यही ये लूप बनाना हमारा, ये पूरा का पूरा लूप, इसे ही बोलते हैं अंसा सर्विकेल्स। देखिए हम अभी डिटेल से बता नहीं सकते आपको, सेपरेट वीडियो है अंसा सर्विकेल्स नाम से, जहां आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल मिल जाएगा। तो ये क्या बना? अंसा सर्विकेल्स। अंसा सर्विकेल्स बेसिकली आपको कहाँ दिख रहा है? हमने बोला ना ये क्या है? कैरोटिड शीट है, मतलब कैरोटिड शीट के जस्ट आगे आपको अंसा सर्विकेल्स मिलता है। सुपीरियर रूट ऑफ अंसा सर्विकेल्स और इन्फीरियर रूट ऑफ अंसा सर्विकेल्स आपको कहाँ मिलेगा? ये वाली सुपीरियर रूट है, ये वाली इन्फीरियर रूट है। कहाँ मिलेगा? कैरोटिड शीट से। देखिए मतलब पूरी बात आ रही है कैरोटिड शीट पे। तो हमारा कैरोटिड शीट का भी एक सेपरेट वीडियो है, वहाँ पे आप देख लेना। ओके, तो हमने सारा का सारा आपको ड्रॉ कर दिया यहाँ पे कंटेंट। तो देखिए इनकी नेमिंग भी लिख देते हैं। तो ये क्या है? दिस इज सुपीरियर रूट। किसकी सुपीरियर रूट? दिस इज सुपीरियर रूट ऑफ अंसा सर्विकेल्स। और ये क्या होगी? इन्फीरियर। अब इसे सुपीरियर क्यों बोला? कॉमन सी बात है, ये तार कहाँ से आ रहा है? C1 रूट से है। C1 रूट तो दो के ऊपर ही होगी ना, तो बेसिकली सुपीरियर रूट ही होगी। और ये वाली क्या है? दिस इज इन्फीरियर रूट। इन्फीरियर रूट किसकी?
दिस इज द इन्फीरियर रूट ऑफ अंसा सर्विकल्स। अब देखिए इसको इन्फीरियर क्यों बोला, क्योंकि यार C1 के जस्ट नीचे ही तो है, C2 C3 C1 के नीचे ही होंगे, इसीलिए इसको बोल दिया इन्फीरियर रूट ऑफ अंसा सर्विकल्स। तो ये तो है इन्फीरियर रूट ऑफ अंसा सर्विकल्स, ये है सुपीरियर रूट ऑफ अंसा सर्विकल्स, और जो ये लूप बन रहा है इस लूप को हम बोलते हैं अंसा सर्विकल्स। देखिए आप अंसा सर्विकल्स को अभी हैंड टू हैंड पढ़ लीजिए ताकि आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा सारा का सारा। तो अंसा सर्विकेलिस, ओके, तो ये हो गया अंसा सर्विकेल। देखिए आपको इसका डायग्राम एकदम पूरा का पूरा हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएगा, ओके। तो देखिए ये पूरा का पूरा कंटेंट हो गया जो भी हमने यहाँ लिखा था सारा का सारा। सिंपैथेटिक चेन हमने बोला ना, कैरोटिड शीट देखेंगे, सुपीरियर लेरिंजियल, देखिए हम ब्रांच ऑफ वेगस होती है ना, अगर हम यहाँ सुपीरियर लेरिंजियल बना देंगे तो डायग्राम में कचरा हो जाएगा, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो वाली नर्व, कॉमन सी बात है, लेरिंग से तो सप्लाई करेगी, अगर हम वो बनाएंगे तो थोड़ा कचरा हो जाएगा, इसलिए नहीं बनाइए, ओके। तो देखिए इसका डायग्राम आपको फेसबुक पेज पे मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।